24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्वाण। ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान, FATF बोला मनी लॉन्ड्रिंग की जांच और मुकदमों पर अभी और काम करना होगा। यूक्रेन पर हमले का 10वां दिन, रूसी अटैक में 47 यूक्रेनी नागरिक मारे गए। जेलेंस्की बोले पुतिन को नहीं रोका तो मिट जाएगा यूरोप। फ्लाइट से लौटेंगे 2200 भारतीय यूक्रेन के खार्किव और पिसोचिन में फंसे स्टूडेंट्स को निकालने बसें भेजेंगे इंडियन एम्बेसी। श्रीनगर के सरकारी अस्पताल में लगी भीषण आग, मरीजों को सुरक्षित निकाला गया, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मणिपुर में वोटिंग शुरू, दूसरे चरण में राज्य की 22 सीटों पर मतदान, सुबह 7 बजे से वोट डालने पहुंचे लोग, 92 प्रत्याशियों के भाग्य का होगा फैसला। काशी में अचानक कैंट रेलवे स्टेशन पहुंचे मोदी, प्लेटफॉर्म एक पर भीड़ में खड़ी महिला के पैर छुए, एग्जीक्यूटिव लाउंज में कर्मचारियों से भी बात की। भारत वर्सेज श्रीलंका मोहाली टेस्ट, दूसरे दिन जडेजा के बल्ले से बड़ी पारी की उम्मीद, श्रीलंका टीम भारतीय टीम को जल्दी करना चाहेगी ऑल आउट। पंत जैसे बल्लेबाजों को अपने तरीके से खेलने देना चाहिए, भारत बना सकता है 450 से ज्यादा रन। वॉर्न के निधन पर क्रिकेट जगत में शोक की लहर, रोहित कोहली हुए भावुक, तेंदुलकर बोले भारत के लिए आपका प्रेम नहीं भूल सकता। यूपी चुनाव लाइव, मतगणना को लेकर सपा परेशान, चुनाव आयोग को ज्ञापन सौंपा, ऊंचाहार के बीजेपी प्रत्याशी के ऑडियो का दिया हवाला। यूपी चुनाव, जौनपुर में मुलायम सिंह यादव बोले किसान मजदूर और नौजवान परेशान, सपा सबकी समस्या दूर करेगी। यूपी की बड़ी खबरें, मेरठ में सड़क पार कर रहे युवक की मौत, ग्रामीणों ने किया हंगामा, दिल्ली हरिद्वार हाईवे पर लगा 10 किलोमीटर तक जाम। मेरठ में ट्रेन के कोच में लगी भीषण आग, दुराला स्टेशन के पास पहले इंजन में आग लगी, फिर पीछे का कोच भी चपेट में आया। प्रयागराज में स्वास्थ्य कर्मी घर घर जाकर खोजेंगे टीबी के मरीज, 9 मार्च से चलेगा सक्रिय क्षय रोग खोज अभियान, चिन्हित मरीजों का होगा इलाज। बरेली में बनाई जा रही जहरीली सिंथेटिक ड्रग्स, फरीदपुर में पकड़े गए ड्रग्स तस्कर से पूछताछ में पुलिस ने क्या खुलासा। अब्बास अंसारी के चुनाव प्रचार पर लगी रोक, सरकारी अफसरों पर दिया था अमर्यादित बयान, शाम 5 बजे तक नहीं कर सकेंगे चुनाव प्रचार। अनिल देशमुख पर शिकंजा कस रही CBI, 100 करोड़ की वसूली मामले में बयान दर्ज करने ऑर्थर रोड जेल पहुंचे अधिकारी। मिर्जापुर में आएंगे दिग्गज नेता, 7वें चरण के अंतिम दिन चुनाव में अमित शाह, नगर में अखिलेश यादव की जनसभा, नगर में भाजपा का रोड शो। कॉमेडियन को यूक्रेन का राष्ट्रपति बनाकर की गलती, मथुरा में बाबा रामदेव बोले रूस यूक्रेन युद्ध के कारण योग और उद्योग में थोड़ी बाधा आई है। पहले रोड शो फिर बाबा विश्वनाथ के दर पर अखिलेश बोले अपने मामा की बदौलत योगी मठाधीश बने और मुख्यमंत्री भी, भाजपा को अपना परिवारवाद नहीं दिखता। आप देखते रहिए टुडे 24 न्यूज़।